a jolt and then you'll die. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम लोग को माइनक्राफ्ट में बनाना है लखनपुर रेलवेज। यस, हम लोग को रेल्स बनानी है जो हर जगह जाए, तो बहुत ही मतलब टाइम लगने वाला है। बट फिलहाल तो एक ही जगह का प्लान है, वो है उधर एक विलेज मैंने फाइंड किया था, तो वो विलेज में जाना है। उस विलेज में चार चार ब्लैक स्मिथ है, तो मैंने अभी तक उन्हें लूटा नहीं है कि मतलब आप लोग मुझे समझो कि भाई लूट लिया फिर बोलेगा ये वो। ना ना ना, अभी तक नहीं लूटा है। तो वहाँ से सब शुरू करना है, जितने भी सामान लगेंगे सारे सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिया मैंने। तो थोड़ा थोड़ा ही पहले शुरू में लेते हैं। गोल्ड लगेगा हम लोग को, और रेडस्टोन ज़्यादा नहीं है, अभी जाएंगे, हो सकता है मैं माइनिंग के लिए भी जाऊँ, रेडस्टोन है नहीं ज़्यादा। तो पहले रेल्स बना लेते हैं, ये रेल बनेंगी जितनी, थोड़ी सी ये भी बना लेंगे ना। और अब ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ये ले लेते हैं के कॉबल स्टोन ले लेते हैं। ओके, तो सारा सामान तो हमने ले लिया है, बट एक सेकेंड। अच्छा, मेरे को लगा कौन सा मैसेज आ गया भाई। हाँ, तो बट अब डिज़ाइन देखना है कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले एक एंट्रेंस गेट तो बनाना ही पड़ेगा। कैसा गेट बनाएं, सेंटर भी ढूंढना एक तो मुश्किल है ना। वैसे इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक यहाँ रखते हैं, और कभी फ्यूचर में हम लोग वो ऑटोमेटिक वाला भी बनाएंगे फ्यूचर में, या फिर अब ऑटोमेटिक बनाना अब ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ओके, यहाँ रख देते हैं। अब इसके ऊपर कैसे, ऐसे, अच्छा ऐसे लगा देते। ये मान लो हमारा हो गया गेट, तो यहाँ पे साइन तो लाए नहीं हम, कोई गल नहीं। इसको ऐसे चार ब्लॉक इधर, सेम चार ब्लॉक इधर कर देते हैं। तो अब अंदर का डिज़ाइन बनाते हैं भाई। अब लेकिन ये हमारा अंदर आने का रास्ता होगा, तो ट्रेन भाई किधर से जाएगी। तो आई थिंक मैं सोच रहा था कि अंडरग्राउंड, यहाँ से अंडरग्राउंड ले जाते, और यहाँ से अंडरग्राउंड ले जाके वहाँ कहीं आगे जाकर फिर ऊपर ले आते। सही तो है, बट देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स होंगे हमारे। लो भाई, रात भी होने लगी, और बेड भी मैं नहीं लाया। बेड लेकर आऊँगा, बेड लेकर आना है। जल्दी से बस पहुँच गए, बस एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई कुछ दिखता भी नहीं है शेडर्स की वजह से। अरे यार, और इससे याद आ गया कि एक पिकैक्स भी लेनी हम लोग को, पिकैक्स लेनी पड़ेगी, नहीं तो मान लो कोई गलती हो गई तो तोड़ेंगे कैसे उसको वापस। पिकैक्स है कांबर को है। ओके, वहाँ जाके और भी पिकैक्स बना लेंगे, वहाँ तो स्टिक्स है ही। बेड भी हम लोग ने ले लिया, अब सारा सामान रेडी है, बस बनाने की देरी है। चलते हैं, शायरी तो बड़ी अच्छी मार लेता हूँ मैं। इसको ऐसे ऐसे much later। फ्रेम तैयार हो गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो मेन वही आ जाएगा। तो कॉबल स्टोन के जो हम लोग स्लैब्स बना लेते हैं ना, स्लैब्स ज़्यादा ठीक रहेंगे कि पहले साइड वाइड वाला बना दे। So much later that the old narrator got tired of waiting and... तो फ्रेम तो कंप्लीट हो चुका है, विंडोज़ भी डालेंगे, बट अभी सोच रहा हूँ मेन चीज़ जो है वो बनाते हैं। तो पहले तो स्टोन ब्रिक्स के स्लैब बना लेते हैं, और फिलहाल देखते हैं इतने में कितना क्या क्या हो सकता है। ये एंट्रेंस हो जाएगा हमारा, तो हो गया। अभी इसको भरना है पूरा कॉबल स्टोन वाले से, यानी इसका काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। साइड्स तो कवर कर दिए हैं, अब इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। अब आप बोलोगे क्या कर रहा है भाई, ये कर क्या रहा है, बट देखते जाओ बस तुम। फिलहाल कुछ इतना सा बना है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बट इसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो लंबी हो चुकी है, मतलब मेरे एडिटिंग के हिसाब से, बिकॉज आप समझ सकते हैं शुरू में यार इतना नेटवर्क होता नहीं, अपलोड कैसे करूँगा, इसीलिए फिलहाल इतना है। अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे उसे, या तो मैं उसे ऑफलाइन में कर लूँगा, ज़्यादा चांस हैं कि अगली वीडियो में करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।